तो आज मैं आ गया हूँ जस्ट सज्जनगढ़ रिसोर्ट एंड स्पा में। पीछे ये इनका एंट्रेंस है, तो अभी चलेंगे अंदर, चल के चेक इन करेंगे। ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है जो कि सज्जनगढ़ में है। यहाँ से मॉनसून पैलेस का व्यू है और ये भी अच्छा लोकेशन है, यहाँ से आप लोग को सब कुछ पास पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं यहाँ रुका हूँ उदयपुर में। तो अभी अंदर चलते हैं, चल के चेक इन करते हैं, फिर आप लोगों को पूरा होटल का टूर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से इनका एंट्रेंस है, ये रहा गेट, देन यहाँ से अंदर चलते हैं हम लोग। अंदर आने के बाद ये देखो सामने ये गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, देन इस तरफ ये पूरा इनका रिसेप्शन एरिया। अभी चल के हम लोग चेक इन करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, देखो ये पूरा रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ कल सुबह होगा ब्रेकफास्ट और काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है। देन आउटडोर में भी ये पूरा सेटिंग स्पेस है, ये देखो सामने वो मॉनसून पैलेस का व्यू है और ये आउटडोर में है सेटिंग स्पेस। ये प्रॉपर्टी है पूरी। तो अभी 4th फ्लोर पे आ गए हैं, मेरा रूम नंबर है 4014, इस तरफ जाना है। चलिए इस तरफ चलते हैं पहले। तो ये रहा 4014, यहाँ पे कार्ड लगाना, ये हो गया ओपन, देन आई गेस यहाँ कार्ड डाल देना। तो लाइट्स ऑन हो गई, ये है रूम, बेड, देन टेलीफोन वगैरह, उधर वाटर बॉटल, केटल, ये सब कुछ रखा हुआ है, देन टीवी। ये पूरा रूम का व्यू है। उसके बाद इस तरफ यहाँ पे कबर्ड है, देन ये वॉशरूम, बट इसका अभी तक आई गेस सबसे अच्छा कलर कोडिंग है वॉशरूम का। ये देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो शार एरिया है। वॉशरूम में भी डेंटल किट वगैरह से लेके सब कुछ रखा हुआ है। उसके बाद कवर्ड में एक लॉकर भी है, देन यहाँ पे एसी का रिमोट है। और ये देखो रूम साइज़ ठीक ठाक है। और यहाँ से मेरा रूम वैली व्यू है, तो देखते हैं क्या व्यू आता है। यहाँ पे बेड लगा हुआ है व्यू इंजॉय करने के लिए। और ये देखो यहाँ से व्यू है, स्विमिंग पूल दिख रहा है और ये पूरा व्यू है। तो अभी मैं चेक इन करके आ गया हूँ अपने रूम में और मैं रुका हुआ हूँ जस्ट सज्जनगढ़ में। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है, देन इसका रूम उतना बड़ा नहीं है बट सफिशियंट है। यहाँ पे सामने इन्होंने बैठने के लिए दिया हुआ है, बैठ के आप लोग व्यू को इन्जॉय कर सकते हो। पूरा रूम दिखा दिया मैंने आप लोगों को, मैं 4th फ्लोर पे हूँ, सामने इनका स्विमिंग पूल है, यहाँ से व्यू आ रहा है बहुत अच्छा। अब मैंने पहले लगेज रख दिया, अब मैं निकलूँगा उदयपुर साइट सीइंग करने के लिए। तो देखते हैं आज उदयपुर में क्या क्या घूम पाते हैं। तो यहाँ से स्पा और स्विमिंग पूल गार्डन का रास्ता है, चलते हैं ऊपर। 1st फ्लोर पर आने के बाद ये देखो इधर भी रूम्स हैं, इधर रेस्ट रूम है इनका, यहाँ बैठ के आराम से चिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ये आई गेस स्विमिंग पूल का एरिया होगा, चलिए अभी स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ आप लोगों को। नो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, और ये इनका पूरा स्विमिंग पूल का एरिया है, ये रहा। पानी गंदा है क्योंकि विंटर्स है ना, तो लोग क्लीन नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादा लोग स्विमिंग पूल यूज़ नहीं कर रहे। बाकी ये होटल है, वो कहीं पे मेरा रूम था, वहाँ से व्यू दिख रहा था स्विमिंग पूल का। देन यहाँ इनका स्पा है, सांसा स्पा, इधर से जा सकते हो आप लोग। ये देखो इधर से आप लोग जा सकते हो स्पा के लिए, इधर है इनका स्पा एरिया। तो अभी स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं। अभी स्टेयर्स से मैं आ गया हूँ ऊपर और यही पूरा होटल था। मैंने जल्दी से आप लोगों को एक पूरा होटल का टूर दे दिया और अब मैं निकल रहा हूँ उदयपुर साइट सीइंग करने के लिए। तो इस व्लॉग में अब इतना ही, तब तक इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।